गलती है, हम अहमदाबाद की बहुत बड़ी गलती करी। नहीं बेटा मारा नहीं, सुली कड़ गई क्या ई दफा। अच्छा। बेटा वहाँ हम लॉक लगा के सो रहे और वहाँ आपने फांसी पे लटका था कि चुन्नी से। हरियाणा के फरीदाबाद के गांव धौस में घर में 10 महीने पहले दफनाई गई लड़की का पुलिस ने कंकाल बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्यवाही मृतक लड़की के सऊदी अरब में रह रहे पिता की मेल द्वारा प्राप्त शिकायत के बाद की, जिसके तहत पुलिस ने ताहिर की पत्नी से पूछताछ की तो सब खुलासा हो गया, जिसमें उसने बताया कि 10 महीने पहले लड़की ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और बदनामी से बचने के लिए उसने बेटी का शव घर पर ही अपने भाई की मदद से दफना दिया था। निशानदेही के बाद पुलिस ने तहसील और एसीपी की मौजूदगी में कंकाल को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही होगी। पुलिस थाना धौज के अधिकारी ने बताया कि बीती 7 तारीख को सऊदी अरब में रहने वाले ताहिर ने अपनी बेटी के बारे में उन्हें मेल द्वारा शिकायत दी थी, जिस पर उन्होंने ताहिर की पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उनकी बेटी गाँव के एक लड़के के साथ भाग गई थी और फिर वापस आ गई थी, लेकिन उसके बाद वह बेइज्जती महसूस कर रही थी जिसके चलते उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने उसे घर में ही दफना दिया। पुलिस ने बताया कि ताहिर पिछले 8-10 सालों से सऊदी अरब में ही रह रहा है और उनके 8 बच्चे हैं, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि अभी शुरुआती जांच में लड़की को मारने की बात सामने नहीं आई है और मामला संदिग्ध है, इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कानूनी रूप से कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। वहीं मृतक लड़की की माँ प्रवीणा ने बताया कि हमने अपनी लड़की को मार नहीं था बल्कि उसने खुद फांसी लगाई थी। उसका कहना था कि उनकी लड़की कई बार घर से भाग चुकी थी जिसके चलते हम लॉक लगा कर रखते थे। हनीफा ने आगे बताया कि बदनामी के डर से उन्होंने उसे घर पर ही दफना दिया था। उसने खुद माना कि इस मामले की शिकायत उसके पति ने सऊदी अरब से की थी। अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसने कहा कि हमें उसे घर पर नहीं दफनाना चाहिए था, यही हम पर सबसे बड़ी गलती हुई है। क्या? नहीं बेटा मारा नहीं। क्या था पूरा मामला बताओ, पूरी बातें बताओ, क्या हुआ था? वो घर से लेकर गई क्या ई दफा। अच्छा। बेटा वहाँ हम लॉक लगा के सो गए और वहाँ आपने फांसी पे लटक गई चुन्नी से। इसको अब खाने में हुआ? हाँ, दबा दी, बस हमने घर में ही दबा दी। बदनामी मारा, एक बेइज्जती बहुत बड़ी होगी। उनके पापा ने कहाँ रहते हैं? वो सऊदी में। सऊदी में हाँ। तो कौन कौन थे जब आप बच्ची ने फांसी खाई थी उस दौरान कौन थे? आरिफ और आबिद, उन्हें खोलो फांसी से, उन्हें दफना दे, मैं भी साथ ही उनका। घर में क्यों दफनाई जब बच्ची? नहीं दफनाई, नो पहले ही बहुत बेइज्जती करवा दी, तीन तीन चार चार बार भाग चुकी हूँ। कई बार भाग चुकी थी बदनामी हाँ। लॉक लगा सो भाई, भैया मारा। तो पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, क्या कर दिया? नहीं अब लाई यहाँ पुलिस। भैया ये हमारे को मेल के माध्यम से 7 तारीख को सूचना मिली थी, ताहिर नाम का व्यक्ति है दौज का, जो अपना सऊदी अरब में रह रहा 12-13 वर्ष से, और इसकी घरवाली अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रही है, 8 बच्चे हैं उसकी घरवाली की, और उसकी आपको समय अनबन रहती है। तो उसकी घरवाली की जो लड़की है परवीना, वो 1 साल पहले किसी लड़के के साथ चली गई थी गाँव के, तो वापिस आ गई थी, तो उसने अपना बेइज्जती महसूस करके घर में ही अपना हैंगिंग लगा ली है, और उसके परिवार वालों और इसकी माँ ने उसको घर में ही दफना दिया। ये शिकायत के आधार पर इसको माँ को बुला के पूछताछ करी, पूछताछ में सामने आया है, और हमें ड्यूटी अफसर FSL टीम, अपना तहसीलदार साहब बुला के, ACP साहब मौके पर आ गए हैं, कंकाल को निकाल लिया है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी आगे ही कार्रवाई होगी। अभी 33 है।